اتھ ونان موچری موچری بیٚیہِ مول آسان بیٚیہِ ینگرٲج مول ینگرٲج مول آ بیٚیہِ چھُ جنگلس منٛز اکھ کُلۍ قٕسما اکھ تتھ چھِ ونان پوستِل تمیُک دِل سُہ چھُ وٕنکیٚن آیُرویدِک چیٖز استعمال گژھان دوا تمچی چاے ٲسۍ بناوان تمچی ٲسۍ تِم تہِ بنٲیِتھ बाकायदा लंगर का भी एहतमाम रहता है और यहाँ पर एक हाजी साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से यही देख रेख करते होंगे और यही इस तरह से तैयार भी करते होंगे। चाय दामा प्लेटें जो प्लास्टिक की हैं, जानवर जो खाएगा जी। वो मरेगा या जिएगा? ऑब्वियसली उसको तो नुकसान पहुंचेगा। वो नुकसान किसको? हम क्या, हमें है? उठाना है। पहाड़ों वाली मैगी खानी है तो यहाँ जरूर आना है ना। पीर पंचाल रेंज से ये खूबसूरत सा इलाका जो आप देख रहे हैं, पीर की गली इसे कहते हैं। आप यूं माने कि सतह समंदर से काफी ऊंचाई पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पीर पंचाल रेंज, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है, एक पहाड़ी रेंज और एक सयाहती मकाम है जो जम्मू और कश्मीर में पीर पंचाल सिलसिले में वाक़ है। ये कश्मीर वादी को जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला से मुगल रोड के जरिए जोड़ता है। ये मुगल रोड पर सबसे बुलंद मकाम है जो 3490 मीटर की बुलंदी पर है और कश्मीर वादी के जनूब मगरब में वाक़ है। छोटी सी दुकान है, ये भाई चलाते हैं और यहाँ पर बाकायदा बैठने का भी इंतजाम है। पहाड़ों वाली मैगी खानी है तो यहाँ जरूर आना। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है, तहसील सुनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। लोग रुकते हैं, बाबा जी के यहाँ भी जाते हैं और साथ में यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है या कोई कुछ बेचता है, 4 पैसों में इजाफा ही होता है। कब से है आप यहाँ? मुझे 2-3 साल हो गए। सारी चीजें पड़ी है ना, ये चीजें कहाँ से लाते हैं आप? कुछ इधर से आता है, जो करियाना का सामान है इधर से आता है, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से। जो ये बेकरी वाला, ये इधर डिस्ट्रिक्ट शोपियन से आता है। ये वाहिद कमाव का जरिया है घर पे या और भी कोई कमा है? दूसरा भाई भी है, छोटे भाई भी है, पिताजी भी। अच्छा, घर चलता है? हाँ चलता है इंशाल्लाह। क्या क्या बनाते हैं मैगी के अलावा? ऑमलेट बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, चाय और ये सब। यही से अशाय खुर्दनी की कुछ चीजें बड़ी बड़ी ट्रक्स में यहाँ से गुजरती हैं। कौमी शहरा तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप तक वो ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें पहुँचती हैं। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से मुगल्स यहाँ आए थे, तभी इस रास्ते को मुगल रोड ही कहते हैं। और यहीं आपको कई सराएं भी देखने को मिलेंगी। कब से बेच रहे हो? कब से बेच रहे हो? 2 साल से। आते हैं यहाँ से टूरिस्ट लोग? टूरिस्ट बहुत आते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम? जमीर अहमद। जमीर साहब, यहाँ मैंने सुना कि आप हिजरत करते हैं, फिर आप कुछ वक्त के लिए यहाँ ठहरते हैं। जी जी, यहाँ ठहरते हैं। हाँ। कितने वक्त तक? इधर हम दिसंबर तक ठहरते हैं। हाँ, बारिश बहुत होती है। तब क्या करते हैं? तब डैमेज तो नहीं होता? हाँ, डैमेज नहीं होता, ऐसे टेंट में बैठते हैं। इसी टेंट में बैठते हैं, तब ये सब कुछ बंद होता होगा ना? हाँ, बंद होता है। जो मार्केट है जी जी, ये क्या पहले से ही इस तरह से फ्लरिश था या यहाँ कुछ चेंज? जब से ये मुगल रोड चालू हुआ ना। हाँ? उसके बाद ये ऐसे ये जो है ना, इधर जो जैसा है वैसा सही है। यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है हमारे यहाँ कश्मीर में। महसूस करते हैं जिस तरह का टेम्परेचर समर सीजन में होता है हमारे यहाँ शहरी इलाकों में या कस्बजात जो है। लेकिन यहाँ आकर जो, क्योंकि टॉप है सतह समंदर से काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि यहाँ कितनी सर्दी है। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं, प्लान इस तरह से करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये सोचना होगा कि आप एक स्वेटर को ज़रूर साथ रखें।
जो पीर साहब का आस्थान है, इनका पूरा नाम कुछ मालूम है आपको? पीर शेख अहमद करीम इनका नाम। पीर शेख अहमद करीम। शेख अहमद करीम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ रहते हैं आप? सुरनकोट फजलाबाद। सुरनकोट फजलाबाद में। बताइएगा, यहाँ एक बहुत मुअत्तबर दरगाह है, आप आते जाते रहते हैं यहाँ? जब से ये रोड चालू हुआ तभी अब से हो रहा है, वरना नहीं था? पहले नहीं था, पहले ऐसे पैदल चलते थे। हमारी डोके हैं यहाँ पे, हमारे भेड़ बकरियाँ हैं, हम पहले से रह रहे हैं। पीर की गली, यहाँ पर एक आस्थाने आलिया है जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। फ्रांसिस बर्नियर फ्रेंच फिजिशियन थे जो मुगलों के साथ करीब 10 साल तक रहे, उनके साथ ट्रैवल भी किया, यहाँ भी आए, इस रास्ते से आए। उनका ये कहना है कि वो जब यहाँ से गुजरते थे तो उन्हें एक शख्स मिलता था, एक बुज़ुर्ग शख्स मिलता था जो किसी न किसी शख्स से कुछ न कुछ मांगता रहता था, मगर उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि अगर आपने इस मखसूस इलाके से गुज़रना है, अगर आपको इस मुग़ल रोड से, पीर पंजाल से गुज़रना है, तो आपको बड़ी ही खामोशी से गुज़रना होगा। अब हमें ये नहीं पूरी तरह से मालूम कि जो उन्होंने बात कही, क्या वो इसी एक मखसूस स्पॉट के ताल्लुक से कही? बाकायदा लंगर का भी अहतमाम रहता है, और यहाँ पर एक हाजी साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से यही देख रेख करते होंगे और यही इस तरह से तैयार भी करते होंगे। तो बात हो सकती है आपसे अगर आपकी इजाज़त हो? हजरत तुम क्या नाम? बस किन रोजन शिपिन हरपोर। اچھا گو ہیئر پورٹ پہ چھو تھی یوتھ اہن حظ تھی چھو یمہ زن آستانہ عالیہ امیک ذمہ دار اہن حظ اچھا ریش یمک اچھا یہ حس پرانی ہسٹری امریکہ یورن ہز وقت پہ اچھا تم یتن تم ذمہ وار یت یہ ویران ملک ویران روڈ تم ذمہ وار تم دن لکن ہند دیکھ بھال کر پہ پیمت کن وقت ضرورت پن خدمت گزار کورمت یہ لنگر شروع اچھا یہ ست چائے آن سٹارٹس یمو پیر صاحب پان کر استعمال پہ تن پہ یہ سلسلہ جاری آمت صبح شی بجے پہ رات سن کہن بجن تین بس اگر رات کی تک آلو کر تمہیں سات چائے کتا وقت گو مے گئی تقریباً بچپن پان پہ خدمت جنگلس مل قسم پوستل تمک دل سنگین آیورویدک چیز استعمال گوا چائے ون بن ٹور ساس روپیے کلو ون پانچتی پہ ساڑ ست ہت وری یل امیر کبیر میر سید ہمدانی دین کس بارس مجھے اوڑ آئے یہ تن تم پہ شروع گمن ذمہ تمس امیر کبیرو زاس بہس تروہس مز گو روڈ تن پہ ہری سی سوری کی مسجد تنہے تن پہ زیارت تو گو تعمیر تن پہ بیچے لنگر ونگر تپر یپ ویوت لوگ کھلان تیوتہ خرچہ تہ ہران ات لنگرس پہ پونسس پہ امچ سی چلان زون تہ سوری بی سون نفس تہ پلان تو ویت دہ کھو دہ بدلان سوری نظام ونکن یت وقف کران دعوا تھوڑا پی ایچ ڈی سیز کرم تو تم دپان ون مقامی لوگوں کا اور جو ذمہ دار اشخاص ہیں جو خادم ہیں یہاں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ سلاطین کے دور میں یہاں پر اس طرح سے جو بزرگ ہے یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک اس طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں لنگر سسٹم ہے وہ شروع کیا تھا جنگل سے وہ چائے وغیرہ چن لیتے تھے اور تب اس چائے سے یہاں کئی سارے مقامی لوگ جو ہے انہیں وہ پلاتے تھے وہ چائے پلاتے تھے ان کو اور وہ سلسلہ آج بھی یہاں پر قائم و دائم ہے اس علاقے کو کس قدر بدلتے ہوئے دیکھا کس قدر نہیں ہے میڈم بدلا نہیں ہے بلکہ اس کا سدھار نہیں ہوا غلطی ہوا ہے پہلے اس میں بہت خوبصورتی تھا اچھا یہ اتنا کچرا پٹی نہیں تھا جیسے ابھی بمبئی میں ہے دلی میں ہے ہمارا مال مویشی یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے
जो जो कचरा पट्टी जो खाते हैं, अभी हर आदमी को चाहिए कि इसके साथ में अपना हैंड बैग और जिसमें लेते हैं उसमें जमा करके रखें। लेकिन पब्लिक यहाँ पे आती है वो ये सोच नहीं रही है, यहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ पे डाल रहे हैं कचरा पट्टी ऐसे करके जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह पीर पहाड़ है, साफ सुथरा एरिया है। इसी आस्थान आलिया के साथ यहाँ पर मस्जिद शरीफ भी बनी हुई है और आप देख रहे होंगे खालिस पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है और बीच में जो जोड़ है वो सीमेंट से है, सीमेंट और रेत से, लेकिन पत्थरों से ही बनाई गई है ये मस्जिद। मोहम्मद अशरफ, आई एम फ्रॉम बडगाम। अच्छा, बडगाम। लेकिन यहाँ जब मतलब इतना नेचुरल, इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि स्विट्जरलैंड को ये डेफिनेटली पीछे छोड़ सकती है। कश्मीर के जितने भी ब्यूटीफुल प्लेस उसमें ये एक है। लेकिन जो सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है, वर्स्ट प्रॉब्लम जो है, यहाँ वाशरूम की फैसिलिटी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। वहाँ एक मोबाइल टॉयलेट है, फीमेल को इतनी प्रॉब्लम होती है वहाँ जाने में, मेल की तो बात ही नहीं। जीरो। यहाँ मैंने दो तीन यहाँ जो है इंतज़ामिया के हैं उनको, उनसे बात की इसके बारे में, उसने बोला कि हमने हाईलाइट किया था मसला, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ वॉशरूम नहीं है, मतलब ये मेरे सोच से बाहर था। जहाँ भी हम जाते हैं वॉशरूम तो बेसिक फैसिलिटी है, वॉशरूम की बहुत ही किल्लत है। वहाँ लाइन लगी हुई होती है उस मोबाइल टाइम, वो भी टूटा फूटा है वहाँ। माय नेम इज मिस्टर मुजम्मिल यूसुफ। For the sake of argument, if somebody is suffering from high altitude pulmonary edema, and that very thing needs immediate intervention, medical intervention, and that facility is not available here. So from your podium, from your platform, okay, I am requesting to the higher officials, make availability of these services quickly, because this is one of the best place, one of the best health resort in the Kashmir currently. दिलफरेब नज़ारों के साथ साथ बादलों के दरमियान रास्ता बनाते हुए बकरवालों की भेड़ बकरियाँ, यूं जैसे जन्नत की ओर किसी ने एक दरवाज़ा खोल दिया हो और खुदा के फजल से हमें दाखिल होने का मौका मिला हो। पुरसुकून माहौल और फ़जा में रूहानी असर, आज दिन के लिए दुनिया में मेरे आरजी सफ़र का मकसद पूरा हो ही गया बिलाखिर।